हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनरिकॉर्डेड परचेस और परचेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों जैसे कि मैंने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, फाइनल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ऑलरेडी कई लेक्चर्स अपलोड कर दिए, कई वीडियोस अपलोड कर दिए, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लेक्चर्स को जाकर देख लीजिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट, ओके, जिसमें आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है फॉर्मेट, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के आप आइटम्स को पोस्ट करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के नीचे के एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट। ये सब बातें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है बाकी के अपने लास्ट लेक्चर में, तो आप लोग को लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वो सब आप लोग जाकर देख लीजिए दोस्तों। ओके, ये लेक्चर देखने के बाद देखिए या ये लेक्चर देखने के पहले उनको देख लीजिए, आपकी मर्जी। ओके, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि इससे क्या होगा, फाइनल अकाउंट का जो फंडा होगा लाइफ टाइम के लिए आपको क्लियर हो जाए, कभी भी आपको फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आने वाला नहीं है दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। फ्रेंड आज का जो ये वीडियो है, मैंने अनरिकॉर्डेड परचेस से लेकर, जैसे क्रेडिटर होता है सन्डर क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड परचेस, परचेस कैसे रिकॉर्ड करते, यही सब इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है दोस्तों। ओके, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, वीडियो शुरू करते हैं खास। दोस्तों मैं सत्यदेव पांडे मेरी YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने इंट्रो में बता दिया कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनरिकॉर्डेड परचेस और सन्डरी क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट के बारे में दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर है मेहमान, तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन को चूज कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी और आप लोग बनेंगे पढ़ाई में स्मार्ट एंड टॉपर दोस्तों, डेफिनेटली बनेंगे। तो दोस्तों लेट्स, जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनरिकॉर्डेड परचेस। तो दोस्तों पहले आप लोग मुझे बताइए परचेस क्या होता है। परचेस मतलब कोई भी रॉ मटेरियल परचेस करना, परचेस कहां रिकॉर्ड होता है दोस्तों, परचेस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। परचेस कहां रिकॉर्ड होता है फ्रेंड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ये सब मैंने बातें आप लोगों को बता दी ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस को रिकॉर्ड किया जाता है टू परचेस करके। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है टू परचेस, ओके फ्रेंड, देखिए टू परचेस करके रिकॉर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद क्रेडिटर कहां आता है दोस्तों, क्रेडिटर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर को भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख दिया जाता है फ्रेंड। लेकिन अगर आप लोग के सम में एग्जाम में जो सम आया हुआ, जो प्रॉब्लम आया हुआ है रिलेटेड टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसमें अगर एडजस्टमेंट दे दिया है, क्या एडजस्टमेंट दिया है, बस उसमें एडजस्टमेंट में नीचे लिख दिया है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेस रुपीज 2000। अगर इतना सा दे दिया है दोस्तों, तो इस अनरिकॉर्डेड परचेस का क्या इफेक्ट होगा, आप लोग कैसे इसका इफेक्ट देंगे, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए उसका इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, देखिए एड परचेस, जो अनरिकॉर्डेड परचेस होगा इसका इफेक्ट होगा दोस्तों एड। इधर दो इफेक्ट होगा, पहला इफेक्ट होगा एड टू परचेस, एड टू परचेस, एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी एड टू क्रेडिटर्स, एड टू क्रेडिटर्स। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर अनरिकॉर्डेड परचेस है, इट मींस परचेस में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो ट्रायल बैलेंस में परचेस दिया हुआ है उस परचेस में रिकॉर्ड नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड छूट गया था बाय चांस अकाउंटेंट से, तो उसने एडजस्टमेंट में दे दिया है कि अनरिकॉर्डेड परचेस रुपीज 2000। ठीक है सर, यह समझ में आया कि दिस विल बी एडेड टू परचेस, लेकिन सर एड टू क्रेडिटर क्यों? बिकॉज कंपनी में जो परचेस हुआ है वो क्रेडिट बेसिस पे हुआ है। किस बेसिस पे हुआ है? क्रेडिट बेसिस पे। और क्रेडिट बेसिस पे किससे खरीदा जाता है दोस्तों? क्रेडिटर से। क्रेडिट बेसिस पे गुड्स कौन देता है? सप्लायर और क्रेडिटर। ओके, इसलिए अगर 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 ये 2000 परचेस में नहीं रिकॉर्ड है, यानी अनरिकॉर्डेड परचेस है, परचेस में ऐड नहीं है अभी तक, उसको हम लोगों ने परचेस में ऐड किया, क्या लिखकर ऐड किया? अनरिकॉर्डेड परचेस, और यहां पे लिखा ऐड। दोस्तों याद रखना यहां पे ए डबल डी और ये डबल कोलन लिखकर ही ऐड करना है, आप लोग ऐसा प्लस का साइन लगाएंगे तो देट विल बी रॉन्ग,
बिकॉज ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के सिस्टम में उसको रॉन्ग माना जाता है, तो आपको ऐसे ऐड लिख के अनरिकॉर्डेड परचेस लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इनर कॉलम में अमाउंट था परचेस का, अनरिकॉर्डेड परचेस को भी इनर कॉलम में ऐड किया। उसके बाद दोस्तों उसका दूसरा इफेक्ट होता है ऐड टू क्रेडिटर, आप तुरंत दौड़े दौड़े जाएंगे बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट आपने इनर कॉलम में लिखा हुआ है दोस्तों, उसमें भी आप लिखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। व्हाई फ्रेंड टेल मी, मैंने अभी आप लोग को बताया कि परचेस क्रेडिट बेसिस पे हुआ है, तो क्रेडिटर को पैसे देने हैं, क्रेडिटर को पैसे देने हैं फ्रेंड। क्रेडिटर यानी सप्लायर, जिसने गुड्स हमको उधार पर दिया हुआ तो उसको पैसे देने। सपोज वो ऑलरेडी 20,000 का गुड्स हमको 20,000 उसको देना, हमारे क्रेडिटर की वैल्यू 20,000 है और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 2,000 और है और परचेस किया गया बट दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, ओके, तो उसको अनरिकॉर्डेड परचेस में भी ऐड किया। अगर 2,000 रिकॉर्ड नहीं था, परचेस किया है परचेस में रिकॉर्ड नहीं था, इसका मतलब क्रेडिटर में भी ऐड नहीं हुआ है, तो क्रेडिटर में भी 2,000 को ऐड कर दिया जाएगा और आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 22,000, ओके। ये हो गया अनरिकॉर्डेड परचेस। देखिए मोस्टली परचेस दिया रहता है, मोस्टली एग्जाम में क्या परचेस परचेस रिटर्न, परचेस परचेस रिटर्न, कॉलेज हो गया, कोचिंग क्लासेस हो गया, बस आपके माइंड में एक ही बात डाल दी गई है कि परचेस होता है उसमें से लेस परचेस रिटर्न करते, परचेस लिखा लेस परचेस रिटर्न। लेकिन दोस्तों बाय चांस एग्जाम में आपने ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया परचेस एंड परचेस रिटर्न और आप लोग के एग्जाम में कहीं जादू हो गया और ऐसा एडजस्टमेंट दिख गया रिकॉर्डेड परचेस रुपीज 2,000, तो आप क्या करेंगे, आपको पूरा फुल फॉर्मेट कैंसिल करना पड़ेगा। तो मेरा फंडा ये है, मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं कि आप एग्जाम में जब भी पहुंचे और आप रिकॉर्ड करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने और बना रहे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये फॉर्मेट आप जरूर यूज कीजिए। आप पहले लिख के रख दीजिए टू परचेस इनर, टू परचेस लिख दीजिए, उसके बाद ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस, उसके बाद लेस परचेस रिटर्न लिख दीजिए। अभी सपोज परचेस है 10, मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, परचेस है 10 लाख, उसमें अनरिकॉर्डेड परचेस आपको दे दिया 1 लाख, उसके बाद परचेस रिटर्न दिया आपको 1 लाख, तो आप फाइनल अमाउंट यहां लिख देंगे माइनस करके। मतलब ये फंडा बना दीजिए, आप ये सिस्टम रखिए, अगर एग्जाम में सपोज एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड परचेस नहीं आया तो यहां पर आप डैश रखेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन आपने एक सिस्टम तो बना दिया है, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, तो आज ही ये रट्टा मार लीजिए, अपने दिमाग में अच्छे से ठोक लीजिए, बिठा लीजिए कि आपको परचेस लिखना है, परचेस में अनरिकॉर्डेड परचेस का फॉर्मेट बना के रखना, उसके बाद लेस परचेस रिटर्न करना है दोस्तों। यानी देखिए परचेस ये 10 था, ये 11 परचेस, उसके बाद ये 10 और 1 11 होगा, उसके बाद ये माइनस परचेस रिटर्न होगा जो कि 10 हो जाएगा वापस, परचेस रिटर्न हो गया दोस्तों, याद रखिए। यानी अनरिकॉर्डेड परचेस पहले ऐड होता है, उसके बाद परचेस रिटर्न लेस किया जाता है और क्रेडिटर में भी परचेस अनरिकॉर्डेड परचेस को ऐड कर दिया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से अनरिकॉर्डेड परचेस के बारे में बता दिया, इसके बाद